जाहिर सी बात है पेगासस को लेकर विपक्ष आक्रामक होगा, तो वही तेवर विपक्ष के नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी हमलावर पेगासस के मुद्दे को लेकर सरकार पर। और अब आगे पंजाब के दिग्गज नेता आज नामांकन भर रहे हैं। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी भदौर से नामांकन करने पहुंचे हैं, वहीं फजिलका की जलालाबाद सीट से शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल पर्चा भरने के लिए पहुंचे। और साथ ही आप देख रहे हैं पटियाला से पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नामांकन भरने पहुंचे आज। तो आज पंजाब के ये दिग्गज जो नामांकन दाखिल कर रहे हैं, 20 फरवरी पंजाब में एक चरण में सभी 117 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है और उसी के लिए ये नामांकन की प्रक्रिया जो शुरू हो चुकी है। आज दिग्गजों के नामांकन का दिन है, जिसमें बरनाला भदौर से चरणजीत सिंह चन्नी जो नामांकन दाखिल करने पहुंचे। और गौर करने वाली बात यह है कि चरणजीत सिंह चन्नी इस बार दो सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं, एक जो उनकी पारंपरिक सीट रही है चमकौर साहिब और दूसरी बरनाला की ये भदौर सीट जहां आज वो नामांकन दाखिल करने पहुंचे। वहीं सुखबीर सिंह बादल को आप देख रहे हैं, जलालाबाद की सीट फजिलका जिले में आती है। इस जलालाबाद सीट पर तीन बार पहले सुखबीर सिंह बादल विजयी हो चुके हैं और अब एक बार फिर चुनावी मैदान में इसी जलालाबाद सीट से किस्मत आजमाने के लिए पर्चा दाखिल कर दिया है सुखबीर सिंह बादल ने भी। तो भदौर का जो चुनावी गणित है वो भी हम आपको बता रहे हैं। भदौर सीट एससी आरक्षित सीट है, मालवा में पड़ती है ये सीट। सीएम चन्नी कांग्रेस के उम्मीदवार, चमकौर साहिब से भी और बरनाला के भदौर से भी। देखिए बरनाला संगरूर ये मालवा क्षेत्र में आने वाले वो जिले हैं जहां माना यह जाता है कि जो आम आदमी पार्टी है उसकी पकड़ मजबूत है। ऐसे में इसे कांग्रेस की एक बड़ी रणनीति माना जा रहा है, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के गढ़ से ही उम्मीदवारी घोषित की गई कल चरणजीत सिंह चन्नी की और आज वो भदौर पहुंचे नामांकन दाखिल करने के लिए। उनकी इन फाइटिंग तो है ही, सभी जानते हैं कि चन्नी की लड़ाई इसके साथ है, सिद्धू के साथ, माझे ब्रिगेड के साथ है, उनकी किसी और के साथ है, लड़ते रहे हैं, हमें तो ठीक है। और हमारे साथ अब जगविंदर पटियाल जुड़ गए हैं। जगविंदर, ये जो आज नामांकन का सिलसिला है, जिस तरीके से चमकौर साहिब के बाद में भदौर से चरणजीत सिंह चन्नी नामांकन भर रहे हैं, सुखबीर बादल पहुंचे हैं और कैप्टन अमरिंदर भी दाखिल कर रहे हैं, ये तीन सीएम प्रत्याशियों की आपसी लड़ाई है और आपसी जो सियासत है उसे आप किस तरीके से देखते हैं, इसका नतीजों पर कैसा फर्क पड़ सकता है? देखिए मालवा में हमेशा ही बड़े लीडर चुनाव लड़ते रहे हैं, प्रकाश सिंह बादल को भी आज ही नॉमिनेशन फाइल करना है लंबे हफ्ते से और वो वहां पहुंचे हुए हैं, अभी वो प्रक्रिया चल रही है, तो आज एक बड़ा दिन था। लेकिन जहां तक मालवा की सियासत की आप बात करें तो ये वो इलाका है, ज्यादातर चीफ मिनिस्टर इसी मालवा क्षेत्र से ही हुए हैं, लेकिन चन्नी का दो सीटों पर लड़ना एक बात के साफ संकेत देता है कि पहला तो ये कि क्या कांग्रेस ने चन्नी के लिए दो सीटें इसलिए चुनी है क्योंकि उनको सीएम का चेहरा बनाने जा रहे हैं, क्योंकि चन्नी के अलावा कोई भी ऐसा उम्मीदवार इस बार नहीं है कांग्रेस का जो पंजाब में दो सीट से चुनाव लड़ रहा हो। और दूसरी संभावना जो है वो ये है, जिसे आम आदमी पार्टी एक बहुत बड़ी प्रचार मुहिम बनाने जा रही है, कि क्या चरणजीत सिंह चन्नी चुनाव हार रहे हैं जो उनको दूसरी सीट पर जाना पड़ा। हालांकि कांग्रेस ये कह रही है कि दलित वोट को पोलराइज करने के लिए और आम आदमी पार्टी का प्रभाव कम करने के लिए उनको दूसरी सीट पर लड़ाने का फैसला किया गया है, लेकिन आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि हमारे सर्वे की जो रिपोर्ट थी वही होने जा रहा है जैसे राहुल गांधी के साथ लोकसभा चुनाव में हुआ था, इसलिए चन्नी ने दूसरी सीट बनी है। लेकिन ये साफ है प्रणय कि सीएम का चेहरा चन्नी हो सकते हैं, इसीलिए उनके उनके लिए दो सीटें रखी गई हैं। बिल्कुल जगविंदर पटियाल, भले ही आम आदमी पार्टी चरणजीत सिंह चन्नी को चमकौर साहिब सीट को लेकर घेर रही हो, लेकिन वहीं जो कांग्रेस की रणनीति है, जिस तरीके से बरनाला में पड़ने वाली ये भदौर सीट और संगरूर बरनाला, ये वो तमाम जिले मालवा के जहां माना ये जा रहा था कि आम आदमी पार्टी अच्छा कर सकती है, तो क्या ये कांग्रेस की रणनीति के तौर पर भी देखा जाएगा आम आदमी पार्टी के किले में सेंधमारी के लिए? क्योंकि जो मालवा क्षेत्र है वहां से जो ज्यादा सीटें लेता है वही आदमी सरकार बनाता है और पिछली बार 69 में से 40 सीटें कांग्रेस ने जीती थी और इस बार के जो सर्वे आ रहे हैं उसमें ये माना जा रहा है कि कांग्रेस को बड़ा डेंट लग रहा है मालवा क्षेत्र में,
तो उस डेंट की भरपाई के लिए भी कांग्रेस की ये कोशिश है और साथ के साथ ये संकेत हो गया है कार्यकर्ताओं को कि अगर चन्नी को दो सीटों से लड़ाया जा रहा है तो राहुल गांधी ने जो दावा किया था जालंधर में कि जल्दी से जल्दी सीएम का चेहरा देंगे, तो चन्नी उसमें दो सीटों के ऐलान के साथ ही आगे हो गए हैं नवजोत सिंह सिद्धू से। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए जगविंदर पटियाल। ABP News, आपको रखे आगे।